नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में, एक और नई जानकारी में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा भी स्टेप बाय स्टेप, कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा भी, क्योंकि जब भी मैं कोई जानकारी देता हूं तो मैं आपको बताता नहीं हूं, मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाता भी हूं, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर आप एक पीएफ अकाउंट खोल रहे हैं तो आप जो है अपना पीएफ से संबंधित सारा काम खुद से कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी एक पीएफ अकाउंट खोल रहे हैं और आपके पास भी एक से ज़्यादा यूएन नंबर है, यानी कि एक से ज़्यादा यूएन अकाउंट है, तो आपका जो पुराना जो यूएन अकाउंट है, पुराना जो यूएन नंबर है, उसका पूरा पैसा आप करंट यूएन अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी कि आपका जो पुराना जो यूएन नंबर है उसको करंट में कैसे आप मर्ज कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका जो पुराना जो यूएन नंबर रहता है उसमें जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसका पूरा पीएफ का पैसा जो है करंट जो यूएन रहता है उसमें, जो करंट जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसको आप मर्ज कहना बोल लो, या फिर जो है पुराने यूएन का पैसा करंट यूएन में ट्रांसफ़र कहना बोल लो, या फिर पुराने यूएन में जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी है उसका पैसा करंट यूएन में, जो करंट जो पीएफ मेंबर आईडी है उसमें ट्रांसफ़र कहना बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हो सके तो मेरे जो इंस्टाग्राम आईडी है आई प्रदीप शर्मा फॉलो भी कर लेना यार, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको जो है कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है इसको ओपन कर लेना है। बाकी मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जैसे उस लिंक पर आप प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन करना है, वो यूएन नंबर मेंशन करना है जिसमें आपको पुराने यूएन का पैसा जो है ट्रांसफ़र करना है, यानी कि करंट में जो आपका यूएन नंबर है वो यूएन नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। इस यूएन नंबर में आपका पुराना जो यूएन नंबर में जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी रहेंगी उसका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन करना है, यहाँ पर पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर मेंशन करके साइन इन कर लेना है। कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहाँ पर रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो नया कैप्चा कोड आ जाएगा। और अगर पासवर्ड भूल गए हैं, पासवर्ड याद नहीं है, तो यहाँ पर देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है यहाँ से अपना पासवर्ड बना भी सकते हो। तो चलिए अब मैं पूरी डिटेल मेंशन करके साइन इन करके आपको जो है कंप्लीट प्रोसेस दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली साइन इन कर लिया है, जब लॉग इन हो जाता है तो एक अलर्ट देखने को मिलता है, इसको कर देते हैं लेटर। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें जो है कितनी पीएफ मेंबर आईडी हैं। तो यहाँ पर व्यू पर जाते हैं और सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं, इसमें जो है टोटल 5 पीएफ मेंबर आईडी हैं। तो आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपकी भी यहाँ पर एक से ज़्यादा पीएफ मेंबर आईडी शो होती है तो आपको पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ज़रूर ट्रांसफ़र कर लेना है। कैसे ट्रांसफ़र करते हैं पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का करंट में, उसके लिए मैंने सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो टोटल 5 पीएफ मेंबर आईडी है, तो ये जो 4 जो पीएफ मेंबर आईडी है इसका पैसा मैंने करंट में ट्रांसफ़र कर लिया है। और जब आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है, पुराना जो पीएफ अकाउंट रहता है वो क्लोज हो जाता है। तो अभी जो एक्टिव करंट में जो पीएफ अकाउंट है वो ये वाला है 5वें नंबर पर। तो जो हम पुराने यूएन का पैसा हम ट्रांसफ़र करेंगे, पुराने यूएन में जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसका पैसा हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पर जो करंट में जो आपकी पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसमें ट्रांसफ़र होता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान दे लेनी है। तो चलिए मैं होम पर क्लिक कर देता हूँ, होम पर आ गए, लेटर कर देते हैं। तो कैसे आप जो है मर्ज कर सकते हो पुराने यूएन को करंट में, तो आपको लॉगिन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपकी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आईएफएससी कोड, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ठीक है। नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट अकाउंट इनटू विच ट्रांसफ़र विल बी अफेक्टेड, यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट में करंट में जो पीएफ अकाउंट रहता है वो यहाँ पर शो कर देगा, और यहाँ पर जो भी पीएफ अकाउंट नंबर शो करेगा उसमें ही आपका जो है पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र होगा। देख सकते हो यहाँ पर पीएफ अकाउंट नंबर, यहाँ पर मेंबर आईडी यहाँ पर दे रखी है, और यहाँ पर जो है एस्टेब्लिशमेंट एड्रेस भी यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो इसमें जो है आपका पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र होगा अगर आप
पुराने पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर करेंगे तब भी इसमें ट्रांसफर होगा, और पुराने यूएन का पैसा करंट यूएन में ट्रांसफर करेंगे तब भी यहाँ पर जो प्रेजेंट अकाउंट मेंशन शो होता है, प्रेजेंट अकाउंट यहाँ पर जो मेंशन रहता है इसमें ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ देखें, स्टेप वन सेलेक्ट डिटेल्स ऑफ प्रीवियस अकाउंट विच आर बी ट्रांसफर। तो यहाँ पर आपको आपका जो पुराना जो यूएन नंबर है वो पूरा का पूरा यूएन नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है, अदरवाइज पुराने यूएन नंबर में जो पीएफ मेंबर आईडी है वो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। बट यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यही कहना चाहूंगा कि आपका जो पुराना जो यूएन नंबर है यानी कि पुराने यूएन का पैसा करंट में ट्रांसफर कर रहे हो तो पुराने यूएन नंबर जो आपका है वो ही यहाँ पर मेंशन कीजिए। यहाँ पर आपका करंट में जो यूएन नंबर रहता है जिससे आपने लॉग इन किया वो यहाँ पर शो होता है, तो यहाँ पर आपको जिस भी यूएन का पैसा ट्रांसफर करना है, जिस भी यूएन नंबर को मर्ज करना है, वो 12 डिजिट का यूएन नंबर यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उससे पहले यहाँ पर आपको जो एक ऑप्शन मिलेगा कि आपकी जो ये रिक्वेस्ट है अप्रूव करने की वो प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास जानी चाहिए या फिर प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास जानी चाहिए, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपकी कौन सी कंपनी अप्रूव करेगी। जब तक कंपनी अप्रूव नहीं करेगी तब तक जो आपकी रिक्वेस्ट आगे प्रोसेस नहीं होगी। तो यहाँ पर आप जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि आप प्रेजेंट कंपनी में काम कर रहे हो, करंट कंपनी में काम कर रहे हो, तो वो अप्रूव भी कर देते हैं क्योंकि उनके पास रिक्वेस्ट गई और वहीं पर आप काम कर रहे हो, उनको आप बोल भी सकते हो। तो यहाँ पर प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट कीजिए, बाकी आप जो है अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, प्रीवियस भी सेलेक्ट कर सकते हो, प्रेजेंट भी जो है एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर सकते हो। जब यहाँ पर सेलेक्ट कर ले उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन करना है, पुराना यूएन नंबर जिसको आपको मर्ज करना है, जिस यूएन नंबर का आपको पैसा करंट यूएन में यानी कि इस यूएन में ट्रांसफर करना है। तो चलिए मैं अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन कर देता हूं। तो यहां पर मैंने जो है 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन कर दिया। जब यहां पर यूएन नंबर मेंशन कर दें उसके बाद यहां पर देखें गेट डिटेल्स का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, लोडिंग होगा, कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना है। उसके बाद यहां पर जो है आपकी डिटेल आ जाएगी, जो यहाँ पर आपने 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन करा है उसमें जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी ऐड रहती है वो सारी यहाँ पर दिखा देगा। तो इस यूएन नंबर में मेरी एक ही पीएफ मेंबर आईडी थी तो यहाँ पर जो है एक ही शो हो रहा है। यहाँ पर मेंबर नेम, मेंबर आईडी, एस्टेब्लिशमेंट, ट्रस्ट डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सबमिट टू यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर यूएन नंबर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो करंट में 9314 है और इसका जो है लास्ट में 6658 है, ठीक है। तो आपके पुराने यूएन में जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी रहती है वो 100 हो जाएगी, एक रहेगी तो 100 होगी, दो होगी तो 200 होगी, तीन रहती है तो 300 हो जाएगी। इसमें मैंने आपको दिखाया था इसमें 5 पीएफ मेंबर आईडी थी, तो अब यहाँ पर जैसे कि 200 हो जाती है, 300 हो जाती है, जितनी भी 100 होती है जिसका भी आपको ट्रांसफर करना है या फिर सबका ही ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए तो सारी पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट हो जाएंगी, या फिर 200-300 होती हैं तो जिसका भी आपको ट्रांसफर करना है वो पीएफ मेंबर आईडी आपको जो है सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं कि आपका जो पुराना जो यूएन नंबर रहता है उसमें जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसमें जो है आपका डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होना जरूरी है और आपकी केवाईसी भी होनी जरूरी है, और उसमें और आपका जो करंट यूएन नंबर रहता है उसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, आपकी जो केवाईसी है दोनों यूएन नंबर में जो है सेम होनी चाहिए। अगर मिसमैच होगा तो फिर जो है रिक्वेस्ट सबमिट नहीं होगी। तो जो डिटेल है वो मैच होना जरूरी है, अगर डिटेल मैच नहीं करेंगे तो ऐसे तो कोई भी किसी का भी जो है पीएफ का पैसा अपने खुद के अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा, तो डिटेल मैच होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है जब सेलेक्ट कर ले उसके बाद यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन है, डिलीट करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगी मेंबर आईडी, तो अपने हिसाब से जितनी भी आपकी पीएफ मेंबर आईडी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी और जिसका भी आपको ट्रांसफर करना है सबका करना है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। आपने दो का निकाल लिया है, एक बची हुई है उसका आपको ट्रांसफर करना है तो वो यहाँ पर आप जो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर देखिए स्टेप टू आपको फॉलो करना है, ऑथेंटिकेट ओटीपी एंड सबमिट, और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है कंसेंट देना रहता है, इस पर टिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसके लिए आपको क्या करना है गेट ओटीपी का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे लोडिंग होगा, कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर मैसेज आ जाएगा ओटीपी सेंड सक्सेसफुल, ओके कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ओटीपी मेंशन करना है, जो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर मैं ओटीपी मेंशन कर देता हूँ, ओटीपी जब मेंशन कर दे उसके बाद यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, लोडिंग होगा, कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना है।
वो सही रहता है। देख सकते हो द क्लेम हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और आपको जो है मैसेज भी आ जाएगा मोबाइल पर, और यहाँ पर जो है ट्रांसफर क्लेम स्टेटस यहाँ पर दिखा देगा। और उसके बाद आप ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे और ट्रे क्लेम स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो रिक्वेस्ट है नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ट्रांसफर क्लेम स्टेटस यहाँ पर दिखा देगा। देख सकते हो ट्रैकिंग आईडी दिखा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्लेम टाइप ऑनलाइन क्लेम, प्रीवियस अकाउंट नंबर यहाँ पर दिखा देगा, प्रेजेंट अकाउंट नंबर यहाँ पर दिखा देगा, इसका इसमें ट्रांसफर होगा, क्लेम स्टेटस पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर, और यहाँ पर आपकी जो कंपनी प्रेजेंट में जो कंपनी रहती है उसका प्रेजेंट या फिर प्रीवियस जो भी आप सेलेक्ट करते हो उस कंपनी का नाम यहाँ पर मेंशन रहेगा। अब ये जो रिक्वेस्ट है आपकी कंपनी के पास गई है, कंपनी अप्रूव करेगी, उसके बाद ईपीएफओ के पास जाएगी, उसके बाद पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपके पास भी एक से ज़्यादा यूएन नंबर है यानी कि एक से ज़्यादा यूएन अकाउंट है तो पुराने यूएन अकाउंट का पैसा करंट में ट्रांसफर की जो है रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। आपकी जो रिक्वेस्ट है आपकी कंपनी के पास जाएगी, जो भी आपने प्रीवियस या फिर करंट सेलेक्ट किया है, प्रेजेंट सेलेक्ट किया है, कंपनी के पास जाएगी, कंपनी को अप्रूव करना पड़ेगा, और जब तक कंपनी अप्रूव नहीं करेगी तब तक आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो आपकी कंपनी को आपको बोलना पड़ेगा कि मैंने पीएफ ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट सबमिट करी है, मेरा पुराना एक और यूएन नंबर था उसका पैसा करंट में ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट सबमिट करी है, तो आप उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दीजिए। जैसे आपकी कंपनी अप्रूव कर देगी उसके बाद ईपीएफओ के पास जाएगी रिक्वेस्ट, ईपीएफओ वेरीफाई करेगा कि दोनों जो यूएन नंबर है वो मैच है, उसमें डिटेल मैच है या फिर नहीं है, सब कुछ ओके अगर मिल गया, सब कुछ ओके रहा तो ईपीएफओ भी आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद पुराने यूएन नंबर में जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी थी उसका पैसा करंट यूएन में जो करंट जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि अगर आप पुराने यूएन का पैसा करंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट पीएफ मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ओनली पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र होता है, पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता। पेंशन का पैसा आपको जो है पीएफ मेंबर आईडी में ही शो होगा, तो पेंशन के केस में ओनली सर्विस हिस्ट्री जो रहती है वो ट्रांसफ़र होती है, यानी कि उस जो आपकी पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी थी उसमें आपने कितने साल काम किया, कितने साल की सर्विस थी, वो सर्विस हिस्ट्री रहती है वो ट्रांसफ़र होती है। पेंशन का पैसा कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता। पेंशन का पैसा आप देखोगे पीएफ पासबुक में तो वहाँ पर शो होगा, ओनली पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र होता है, पेंशन के केस में पेंशन की सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफ़र होती है। तो ये मत सोचना, मत घबराना कि भाई पीएफ का पैसा तो आ गया, पेंशन का पैसा क्यों नहीं आया, तो ओनली पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र होता है, पेंशन का पैसा कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता, तो ये बात भी आपको ध्यान जरूर दे लेनी है। तो इस तरह से आप जो है पुराने यूएन का पैसा करंट यूएन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।